कार ड्राइविंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंड्स कि लेफ्ट साइड के मार्जिन को जज करना, यानी कि जब भी हम कार चलाते हैं तो राइट हैंड साइड के मार्जिन का तो हमें पूरा अंदाजा होता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का जो मार्जिन होता है वो कहीं ना कहीं हम उसमें मिस कर जाते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ देते हैं या हमें हमेशा डाउट होता है कि कहीं कोई ऑब्जेक्ट ना रखा हो, कहीं हम इस लाइन को क्रॉस ना कर जाए जिससे एक्सीडेंट हो जाए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टेक्निक को जिसके थ्रू आप एग्जैक्टली अपने कार के लेफ्ट हैंड साइड के मार्जिन को जज कर पाएंगे और लाइन टू लाइन अपनी गाड़ी को पार्क कर पाएंगे या अपने किसी भी गाड़ी से ओवरटेक कर पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नॉलेज किंगडम। हम कार ड्राइव करते हैं तो हमारे लिए राइट हैंड साइड के जो मार्जिन है उसको मेंटेन करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि इस तरफ हम बैठे होते हैं और हमें इधर का पूरा अंदाजा होता है कि किस तरफ से कौन सी गाड़ी कितने डिस्टेंस पे निकल रही है। लेकिन यदि हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड के जो मार्जिन है उसकी, तो हमें थोड़ा सी डिफिकल्टी होती है क्योंकि हमें पूरा अंदाजा नहीं होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कब कितनी दूरी पर कौन सा ऑब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कितनी एग्जैक्टली हम उस लेफ्ट हैंड साइड के मार्जिन को हम जज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार कार से निकल के बताता हूँ कि हमारी गाड़ी जो खड़ी है वो किस डिस्टेंस पे खड़ी है और हम कैसे उसको एग्जैक्टली जज कर सकते हैं। इसके लिए मैं कार से बाहर आता हूँ और हम एक बार इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को देखते हैं। यदि हम कार की एग्जैक्ट पोजीशन को देखें तो हमें लगता है कि हमारी जो गाड़ी है वो इस मार्जिन पे खड़ी हुई है, यानी कि इतना डिस्टेंस हमारे पास मेंटेन किया हुआ है। आइए हम वापस गाड़ी में चलते हैं। अब हमारे पास जो सबसे पहला जो टास्क है वो ये है कि उस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए उस दूरी को मेंटेन करना। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे पास कम से कम 1 से 1.5 फीट का जो मार्जिन अभी इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल है, जिसमें हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद अभी इस कंडीशन में हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि उधर का जो मार्जिन है वो कितना है। जैसा कि आप देख पा रहे कि हाँ अभी इधर इतना मार्जिन है, लेकिन जब आप स्पीड पे चल रहे हो, जब आप 80 की स्पीड पे हो, 100 की स्पीड पे हो, तब आपको जज करना है कि एग्जैक्टली ओवरटेक करते टाइम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना मार्जिन है। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है फ्रेंड, आप कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली आप ले सकते हैं, आप सीधे अपनी सीट पर बैठ जाएं और अपनी कार में रखे किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे मेरे पास ये कुछ ऑब्जेक्ट है, एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करें। देखिए एक यहां पर एक लाइन बनी हुई है, एक डिवाइडर वहां से आ रहा है और जब आप सीधे अपनी सीट पर बैठे हों तो ये डिवाइडर यहां आके मिल रहा है। ये आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड है और वो जो डिवाइडर है वो यहाँ आके मिल रहा है। ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों चीजें मिल रही है, एल शेप यहाँ बन रहा है। तो ये जो पॉइंट है इस पे कोई भी आप छोटा सा ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पेपर पीस है मैं यहाँ लगा देता हूं। ये देखिए ये सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है जिसमें हमारे जो डिवाइडर है ये और गाड़ी का जो डैशबोर्ड की जो लाइन है आउटर लाइन, ये दोनों यहां पर मैच हो रही है। हमें इस डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, मींस इसको आधार मानकर हमें अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है और ये जो पॉइंट है वो आपको हमेशा इंडिकेट करेगा कि इस लाइन के अनुसार ही आपको गाड़ी चलानी है। थोड़ा सा हम इस पॉइंट को और एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए आप एग्जैक्टली लाइक दिस। अब ये पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है जिससे आप अपनी गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम गाड़ी ड्राइव करना शुरू करते हैं। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं। Let's start. इसी लाइन को हम इमेजिनरी लाइन मानते हुए, रेफरेंस पॉइंट को मानते हुए हम इस व्हाइट लाइन पे गाड़ी चलाने की कोशिश करेंगे। इससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि हम लोग कहां चल रहे हैं। इस रेफरेंस पॉइंट के थ्रू बड़ी आसानी से हमने जान लिया कि किस तरीके से हम अपने मार्जिन को छोड़ सकते हैं और उसे सेट कर सकते हैं। जब आपकी हैबिट डेवलप हो जाए तो आप इस रेफरेंस पॉइंट को हटा भी सकते हैं और आप बड़ी आसानी से फिर बाद में भी इमेजिन कर पाएंगे कि हमें लेफ्ट साइड में कितना मार्जिन छोड़ना है। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल नॉलेज किंगडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आने वाले इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको भविष्य में भी हमारे आने वाले रोचक वीडियो के अपडेट समय समय पर अपने मोबाइल पर मिलते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।